एक और दृश्यम। हाँ भाई, मैंने थंबनेल के अंदर क्लिप बेट नहीं करा है, एक्चुअली थोड़ा बहुत करा है, बट देखा जाए तो भाई इससे रिजेम्बलेंस की बात करी जाए तो भाई रिजेम्बलेंस तो है, लेकिन क्या ये उठाई गई है? बिल्कुल भी नहीं। पहली बता दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, भले तुम आगे वीडियो देखो या ना देखो। तो अब बात करते हैं वध, स्टारिंग संजय मिश्रा, नीना गुप्ता। भाई इन दोनों ने अपने रोल के अंदर नेल कर दिया, स्पेशली संजय मिश्रा। भाई उनके अंदर का जो क्रेज निकल के आ रहा था ना, जिस तरीके से भाई ये आ रहा था कि बस ख़त्म, वो एक अलग ही लेवल पे था। लेकिन दूसरी तरफ कामनेस और प्रोटेक्टिवनेस भी थी, जो कि साथ साथ बैलेंस होकर चल रही थी। एंड इसके लिए जो उन्होंने काम कराया था फादर फिगर एंड ऑल, वो काफ़ी ही ज़्यादा बेहतरीन था। लाइक वन फॉर द फैमिली, वो एक जो चीज़ थी वो इसे काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक बना देती है। एंड सच बताऊँ तो भाई इस टाइप की जो मूवीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टर। इसके अंदर एक्टर ही मेन कैरेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए विजय सलगांवकर दृश्यम के अंदर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी और कैरेक्टर उसे निभा ही नहीं सकता, या फिर कह लो रिप्लेस नहीं कर सकता। काफ़ी ज़्यादा बात कर ली इसके बारे में। उसके अलावा भाई अगर बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेंटिव तुम्हें देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर की जितने भी कास्ट हैं उन सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इवन जो विलन है उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नीना गुप्ता भी अपनी एज ऑलवेज फैंटास्टिक थी। उनके अलावा अगर बात करी जाए भाई इस मूवी के थ्रिल और पेसिंग की, तो पेसिंग हल्की सी मेरे को भाई पर्सनली स्लो लगी। एंड अगर मैं बात करूँ थ्रिल की, तो थ्रिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अच्छे तरीके से कहानी को बाइंड अप करती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा तुम्हें देखने को मिलता है। लाइक एक गुड फीलिंग के साथ जाओगे, गुड फीलिंग के साथ आओगे। और तो कुछ कहने को रह नहीं गया, यही तरह व्यू। टिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय।